सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो गेमर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड गेमिंग वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। भाइयों, अगर आप मेरे साथ PUBG मोबाइल खेलना चाहते हैं तो ये मेरा दूसरा चैनल है। तो इस चैनल में जो है हम क्या है PUBG मोबाइल की लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, कस्टम जाता है, यहाँ पर डेली लाइव स्ट्रीमिंग होती है। तो भाइयों, इस चैनल पे जो है PUBG की वीडियो जो है डलती रहती है और इससे फ्री फायर की भी स्ट्रीमिंग इस पर होने वाली है। तो जो भी PUBG फ्री फायर के फैंस हैं वो इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नया जो है ड्रैगन बॉल जी टेनकाची टैग टीम का जो है मोड लाया हूँ और साथ ही साथ इसमें आपको जो है मोड मेन्यू भी मिलने वाला है और सेव डाटा भी मैं आपको दूंगा जिससे आपके सारे करेक्टर्स जो है अनलॉक हो जाएंगे। तो आज की जो वीडियो है पूरी एंड तक देखना और जो फाइल है DBZ मोड की उसमें लगा हुआ पासवर्ड, तो भाई वीडियो जो है आपने पूरी एंड तक देखनी है शुरू से लेकर एंड तक, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने फाइल को जो है किस तरीके से वर्क करना है, क्योंकि बहुत से लोग जो है मोड मेन्यू नहीं चला पाते हैं। तो मोड मेन्यू चलाने का भी तरीका मैंने बताया यहाँ पर टेक्सचर्स वाला कि किस तरीके से उसे करा जाता है। तो भाई वीडियो जो है आपने पूरी एंड तक देखनी है। और गाइस, अभी तक मैं आप दोबारा से एक बार कहना चाहूँगा कि भाई प्लीज़ 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 क्लैश ऑफ क्लैंस चैनल को यार जाकर सब्सक्राइब कर दो और उस चैनल का जो बेल आइकन सब्सक्राइब करो और मेरे साथ जो है पबजी मोबाइल खेलने आओ। डेली मैं स्ट्रीम करता हूँ उस चैनल पे, कस्टम रूम बनाते हैं हम, कस्टम रूम में आप ज्वाइन हो सकते हैं। और थोड़े ही टाइम पे हम उस चैनल पे जो है टूर्नामेंट रखने वाले हैं और वो टूर्नामेंट जो है डेली होगा। उस टूर्नामेंट में एक कस्टम रूम बनेगा और उस कस्टम रूम में जो विनर होगा उसको प्राइज दिया जाएगा। तो वो प्राइज मैं सब डिस्कॉर्ड पर बताऊँगा, तो सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। टूर्नामेंट जो है जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं। तो गाइस, चलो आज की जो वीडियो है अभी हम बात वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज की वीडियो जो है वो DBZ मोड्स पे, मतलब DBZ TDT मोड पे है। तो गाइस, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक्नो गेमर्स यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, सबसे पहले जाना है अपने डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर अपने सभी फाइल्स को जो है डाउनलोड कर लेना है। सभी फाइल्स को डाउनलोड करने के बाद आपने यहां पर आना है और अपना जो फोल्डर खोलना है जहाँ पर आपने जो डाउनलोड करा है। तो गाइस, ये तीन चीज़ें आपने डाउनलोड करनी पड़ेगी। सबसे पहले जो मोड है इसे डाउनलोड करना है, उसके बाद जो मेन्यू है इसे डाउनलोड करना है और सेव डाटा भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि जो पुराना वाला सेव डाटा है वो नहीं चलेगा, ये वाला सेव डाटा ही इसमें चलेगा। तो गाइस, चलो हम इस फाइल को जो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट हेयर करने से सिंपली जो है एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसका पासवर्ड यहाँ पर आपने डालना पड़ेगा। उज्जवल पासवर्ड सिंपल है, उज्जवल पासवर्ड है इसका। तो यहाँ पर डन करते हैं, इसे ओके करते हैं। ओके करते हैं आपकी फाइल जो एक्सट्रैक्ट होने लग जाएगी। तो गाइस, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो गाइस, फाइल के एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ISO मिल जाएगा। तो उसके बाद आपने जो है यहाँ पर ये जो मेन्यू देख पा रहे हैं इसे भी एक्सट्रैक्ट करना है। लेकिन एक्सट्रैक्ट करने से पहले आपने जाना पड़ेगा अपने PSP के फोल्डर में। PSP के फोल्डर में जाकर आपने यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, न्यू फोल्डर यहाँ पर आपने क्रिएट करना है। उस फोल्डर का नाम होना है नाम होना चाहिए टेक्सचर्स, TEXTURES। इस फोल्डर का नाम गाइस टेक्सचर्स होना चाहिए और यहाँ पर आपने इसे डन करना है। सब कुछ कैपिटल में लिखना है तभी ये काम करेगा। उसके बाद हमें बैक आना है अपने उसमें उसी फोल्डर में जहाँ पर हमने मोड मेन्यू को डाउनलोड करा है और इसको हमें करना है एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट हेयर नहीं, और ओके करना है और PSP में जाना है और टेक्सचर्स में इसे हमें एक्सट्रैक्ट कर देना है। टेक्सचर्स वाले फोल्डर में एक्सट्रैक्ट होने लग जाएगा। बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे एक्सट्रैक्ट होने में, तब तक यार हम वेट करते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितनी सारी इमेजेस जो है टेक्सचर्स के फोल्डर में होती हैं। और उसके बाद चलते हैं अपने सेव डेटा में, डाउनलोड में जाएँ, डाउनलोड में नहीं, उसी फोल्डर में जाएँ जहाँ पर था। ओके, ये रहा। तो हम इसलिए सेव डाटा को भी जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, डिवाइस मेमोरी PSP सेव डाटा, इसमें हमें इसे एक्सट्रैक्ट कर देना है। सब कुछ गाइस, सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब खेलते हैं अपनी गेम। तो ओपन कर लेंगे हम PPSSPP गोल्ड। तुम्हारे पास PPSSPP गोल्ड एमुलेटर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है, वहां से इसे डाउनलोड कर लेना। गाइस, वो सेव डाटा को चलाने के लिए यहां पर सिस्टम में जाना है अपने, और टूल्स में जाना है, डेवलपर टूल्स में जाना है, और एक बार इसे ऑफ करके ऑन कर देना वापस, ठीक है। और अब इसे हम ओपन करते हैं। इतना करने के बाद गाइस, यहाँ पर आप देख पा रहे मोड मेन्यू जो है इंस्टॉल हो गया, लेकिन एक ही बार में जो है मोड मेन्यू कभी इंस्टॉल नहीं होता है, तो उसे हमें ठीक करना पड़ेगा। मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे करेंगे हम उसे ठीक। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं मोड मेन्यू जो है बिल्कुल अलग ही वर्क कर रहा है। जब आप पहले खेलते तो ये सब नहीं दिखाई देता था। तो ओके करते हैं हम इसे। अब मैं पहले एक सेटिंग कर दूँ, नहीं सही है मेरी सेटिंग्स। हाँ ओके,
तो यहाँ पर जो हमारा सेव डाटा है आपने देखा कि वर्क कर रहा है, सेव डाटा कंप्लीट है, लोड हो गया। तो गाइस चलो कर लेते हैं अपनी गेम को अभी स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जाएंगे फ्री बैटल में, और फ्री बैटल में जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ मैं कौन सा रैक। ये देखिए गाइस जो है मोड मेन्यू जो है गाइस यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है, पर सेव डाटा के ऑल करेक्टर्स नहीं आ रहे। अब ये मेरे को नहीं मालूम यार क्यों नहीं आ रहे हैं, पर एक बार हम चेक करते हैं, इसे ठीक करना पड़ेगा। वैसे मेरे को लग रहा है सेव डाटा में सारे करेक्टर्स जो है अनलॉक नहीं है। तो यहाँ पर जो सारे करेक्टर्स हैं वो नहीं आ रहे, तो गाइस आपने क्या करना है, सेव डाटा का लिंक जो मैं दूसरा डाल दूंगा तो आपने दूसरा वाला सेव डाटा जो है यूज़ करना है। तो फिर भी कोई बात नहीं यार, आप एक बार ऐसी खेल कर देखिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं सारी फॉर्म्स आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, और कितना अच्छा लग रहा है ये वाला मोड मेन्यू भी, सिंपल सा है, कोई ज़्यादा वैसा भी नहीं है। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। इसका कलर 3 में आप देख पा रहे थे, काफ़ी अच्छा उसमें दिखाया जा रहा था। तो मोड अब हम कलर 3 में स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अगर आपको आज की जो वीडियो पसंद आई तो भाई इस वीडियो को लाइक जरूर करना। ये वाला मोड मेन्यू जो है सिंपल सा है, 90 MB का। तो भाई ये भी मेरे को बताना कि आपको ये कैसा लगा। तो भाई आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।